एक वर्ष से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने इसके बाद अनोखा विरोध कर आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी और घर घर में पोस्टर चस्पा किए। ट्रांसफार्मर के आसपास भी पोस्टर चिपकाए। आपको बता दें कि मामला तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत असरार मझ टोलवा का है, जहां पिछले एक साल से जला ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में मतदान ना करने का भी पर्चा लगाया है। आपको बता दें कि लगातार कम वोल्टेज मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। मोबाइल चार्ज ना होने से छात्र छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और इसी का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया। ग्रामीणों ने घर घर पोस्टर चिपकाए और ट्रांसफार्मर के पास भी पोस्टर चिपकाए और साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आखिरकार प्रशासन और शासन ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदलवा रहा? एक तरफ पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग शत प्रतिशत मतदान करने की चेतावनी दे चुका है और उसके बाद भी प्रशासन बिजली विभाग अपनी तानाशाही रवैये पर उतारू है। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमारा बिजली का बिल चूकता है तो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला जाता? कुछ लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उसमें भी जमा करने वाले व्यक्ति का क्या दोष? बिजली विभाग का ये काम है। रामपुर बघेलान में आए दिन ये समस्या जो है बनी हुई है और एक वर्ष के इंतजार के बाद जब ये कदम उठाया तो बिजली विभाग पहुंचा और बिजली विभाग ने बिल जमा ना करने का हवाला देते हुए बात को टाल दिया। आपको बता दें कि दिन में भी बच्चों को यहाँ पर चिमनी जलाकर पढ़ाई करना पड़ती है। सरकारी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन मोबाइल की बैटरी चार्ज ना होने पर पढ़ाई नहीं हो पाती। आखिरकार बड़े बड़े राजनेता इस पर क्या करेंगे? मामला सामने आने के बाद क्या कुछ बिजली विभाग की आंखें खुल पाएंगी? जनता ने साफ कर दिया है कि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो हम कोई भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। हम लोग दिया से पढ़ते हैं और दिया बुझ जाती है तो फिर लाइट भी नहीं आती, मोबाइल भी चार्ज भी नहीं आता और हम लोग मम्मी पापा को वोट देने नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइट ही नहीं आती तो काहे जाने देंगे। हमारे गांव में तो बच्चे किस लिए पढ़े? दिया जला के पढ़ते हैं तब वोट देने नहीं जाएंगे सर होगा। तो जब मोबाइल नहीं चार्ज होता किस लिए बच्चे पढ़े? काहे से पढ़े? ना लाइट रहे ना कुछ। कितने साल से समस्या आ रही है? कितने साल भर से समस्या हमारी ये है कि हमारे गाँव में लाइट नहीं रहती है, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोगों को खाना बनाने में परेशानी होती है। नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो हम क्या जाएंगे? अंधेरे में खाना बनाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और ऑनलाइन बोलते हैं कि बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़ पाएंगे ऑनलाइन में, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम गीत। परेशानी यही कि खेती बोए हैं तो सिंचरे नहीं, बिल जमा का करी जब से चार दिन नहीं आता, खेती कैसे बो पाओ? क्या नाम लिखते हैं? हमारा रानी सिंह। हमारे गांव में देखिए ट्रांसफार्मर तो लगा है बट लाइट रहती नहीं है, मतलब एक साल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अब मतलब ऑनलाइन तो सरकार बोलती है कि पढ़ाई करिए, करें कैसे ये बताइए आप? एक साल से बिजली मतलब इतनी कम आ रही है कि मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहे हैं। पूरे गांव का विकास बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर मतलब जैसे कि लाइट तो जाती है, विकास होगा कहां से? विकास होगा ये बताइए जब लाइट तक हमारे गांव में है नहीं। ये गांव असरार है, मस्टोलवा कोई मतलब नहीं है, मतलब सरकार तो चुनाव के पीछे तो लगी हुई है, पाए नहीं पाते खेती भी ये बताइए। पहले बिजली का बिल नहीं चुकता कर रहे हैं तो उनका रहने दीजिए, जो चुकता कर रहे हैं उनको बिजली चाहिए, हमको बिजली चाहिए, मेरा बिल चुकता है, जिनका नहीं है उनका कनेक्शन काट दिया जाए अन्यथा उनके बिल उगाहा जाए, जिसका जमा है उसको लाइट मिलनी चाहिए पूरी ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई पूर्ण हो सके। किसानों की फसल बहुत नुकसान जा रही है ट्रांसफार्मर की वजह से, पानी नहीं लग रहा, लाइट जल रही मगर लाइट धीमी जल रही, लाइट बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं।